The Last Leaf, short story by O. Henry. The Last Leaf, famous American writer William Sidney Potter, जो कि अपने पेन नेम ओ हेनरी से अपनी ज़्यादातर रचनाएं लिखते थे, की एक बहुत ही फेमस शॉर्ट स्टोरी है। ये उनकी कलेक्शन द ट्रिम्ड लैम्प एंड अदर स्टोरीज में शामिल थी, जो कि 1907 में पब्लिश हुई थी। और वैसे इंडिपेंडेंटली ये न्यूयॉर्क वर्ल्ड न्यूज़पेपर में 15 अक्टूबर 1905 में फर्स्ट टाइम छपी थी। ये क्लासिक शॉर्ट स्टोरी आशा, दोस्ती, निराशा, दृढ़ता और बलिदान के मानवीय भावों को बड़ी सुंदरता से प्रदर्शित करती हुई पढ़ने वाले के दिल में अमिट छाप छोड़ती है। इस कहानी की सेटिंग ग्रीनविच गांव में निमोनिया महामारी फैलने के दौरान की है। एक युवा महिला जिसने गंभीर रूप से बीमार पड़ने के बाद जीने की इच्छा खो दी थी, उसे एक बूढ़े असफल कलाकार ने अपनी आखिरी सर्वश्रेष्ठ कलाकृति उकेरते हुए अपने प्राणों का बलिदान देकर भी वापस जीवित कर दिया। वह कलाकृति थी द लास्ट लीफ। तो आइए कहानी की शुरुआत करते हैं इसके पात्रों के परिचय से। कहानी में मुख्यतया दो पात्र हैं, सू और जॉन्सी, और साथ है एक स्पेशल कैरेक्टर मिस्टर बेमन। सू एक आशावादी और दूसरों की परवाह करने वाली नर्म दिल लड़की है। वह एक उभरती कलाकार है जो जॉन्सी की बीमारी के दौरान उसकी पूरी देखभाल करती है। वह जॉन्सी के सामने साहसी बनी रहती है ताकि जॉन्सी को उसे देखकर संबल मिले और बीमारी को जीतने में उसे मदद हो। सू और जॉन्सी एक ही अपार्टमेंट में साथ साथ रहते थे। जॉन्सी भी एक युवा कलाकार है जो किसी दिन नेपल्स की खाड़ी को चित्रित करने की उम्मीद रखती है। उसे निमोनिया हो गया है और उसने अपने ठीक होने की आस छोड़ दी है। उसका मानना है कि जब उसकी खिड़की से बाहर दिखने वाली आईवी बेल से आखिरी पत्ता गिरेगा तब वह मर जाएगी। कहानी का तीसरा पात्र है मिस्टर बेरमन, जो कि एक चित्रकार है। उसी बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर वह रहता है जिसमें सू और जॉन्सी रहती हैं। वह 60 पार का उम्र दराज व्यक्ति है और ठेठ बोली बोलता है। वह कला क्षेत्र में बहुत कुछ हासिल नहीं कर सका और किसी दिन एक उत्कृष्ट कृति बनाने की उम्मीद रखता है। वह नवोदित कलाकारों के लिए एक मॉडल बनकर अपना जीवन यापन करता है और अत्यधिक मात्रा में शराब पीता है। अब कहानी दो युवा कलाकारों सू और जॉन्सी पर केंद्रित है, जिन्होंने कला, साहित्य और कई दूसरी विधाओं में अपनी मिलती जुलती पसंद के कारण साथ रहना शुरू कर दिया। ये एक 3 मंजिली बिल्डिंग के सबसे ऊपर वाले माले में रहती थी। भीषण सर्दियों की शुरुआत के साथ ही निष्ठुर निमोनिया ने वहां महामारी का रूप ले लिया था। सू और जॉन्सी की कॉलोनी भी इसके चपेट में आ गई थी और दुर्भाग्यवश जॉन्सी इसका शिकार बन गई। वो बिस्तर पकड़ चुकी थी और वहीं पड़े पड़े अपनी खिड़की से सामने के घर की दीवार की ओर ताकती रहती। उसकी हालत दिन पर दिन खराब होती जा रही थी क्योंकि उसने मन से हार मान ली थी। उसका इलाज कर रहे डॉक्टर ने सू को चेतावनी दी कि जॉन्सी के बचने की संभावना बहुत ही कम है। कोई अगर जीना ही नहीं चाहता तो उसे नहीं बचाया जा सकता। डॉक्टर ने सू से कहा कि जॉन्सी के जीवन में आशा देने वाली किसी वस्तु या इंसान की अत्यंत आवश्यकता है, अन्यथा वह नहीं बचेगी। यह सुनकर सू रोने लगी। फिर वो खुद को संभाल कर जॉन्सी के पास पहुंचती है तो उसे खिड़की से बाहर ताकते हुए गिनती गिनते हुए पाती है। 12, 11, 10, 9, 8, 7, सब एक साथ। सू खिड़की पर देखने जाती है कि जॉन्सी क्या गिनती गिन रही है, पर वहां उसे सामने वाले घर की साइड की दीवार के अलावा कुछ नहीं दिखाई पड़ता। उस दीवार पर कोई खिड़की नहीं थी और एक बूढ़ी आईवी बेल उसके सहारे उगी हुई थी। सर्द हवाओं ने उस पर अपना कहर ढा दिया था।
उसकी टहनियों से लगभग सारे पत्ते ही गिर चुके थे। सू जानजी से पूछती है, क्या है बाहर? जानजी अपनी गिनती जारी रखती है, 6। वो कहती है कि 3 दिन पहले ही लगभग 100 थे, अब ये तेजी से गिर रहे हैं। कहते कहते एक और पत्ता भी गिर जाता है और जानजी गिनती है 5। सू पूछती है, 5 क्या प्रिय? अपनी सू को बताओ। जानजी कहती है, पत्ते उस पेड़ पर, जब आखिरी वाला गिरेगा तब मैं भी मर जाऊंगी। जानजी को एक वहम हो गया था। वो ये मान बैठी थी कि उसकी खिड़की से बाहर दिखाई देने वाली आईवी बेल का जब आखिरी पत्ता टूटकर गिरेगा तब वो भी मर जाएगी। सू पूरी कोशिश करती है कि जानजी ये मूर्खतापूर्ण वहम छोड़ दे और अपने जीवन को आईवी के आखिरी पत्ते से ना जोड़े। वो कोशिश करती है कि जानजी अन्य चीजों में दिलचस्पी ले, पर फिर भी जानजी को ये यकीन हो चला है कि वो अब जीवित नहीं बचेगी। जैसे जैसे दिन बीतते हैं जानजी की हालत बिगड़ती जाती है और सू की चिंता बढ़ती जाती है। एक रात काफी तेज हवा चली जिससे जानजी के खिड़की के बाहर बेल से कई पत्तियां गिर गई। अगले दिन जानजी ने घोषणा की कि उसने बेल के आखिरी पत्ते के गिरने के साथ ही मरने का फैसला लिया है। सू बहुत कोशिश करती है कि जानजी अपना मन बदल ले, पर जानजी अपने निश्चय पर अटल है। इसी दौरान सू जिस मैगजीन के लिए काम करती थी उसके लिए एक कहानी के इलस्ट्रेशंस के चित्रण के लिए एक मॉडल की तलाश में वो अपने नीचे वाले पड़ोसी मिस्टर बेरमन से मिलने जाती है। मिस्टर बेरमन एक पुराना असफल कलाकार था जो एक कलाकार के रूप में अपने जीवन भर की असफलता के बाद भी अपने जीवन की सर्वोत्तम कृति को चित्रित करने की आशा रखता है। बातों बातों में सू से जानजी की कहानी जानने के बाद वह जानजी की मूर्खता पर नाराज होता है। वो कहता है कि उसने ऐसा कभी नहीं सुना कि गिरते पत्तों के कारण कोई मर जाए। बेरमन सू के साथ ऊपर आता है। जानजी सो रही थी। दोनों भयभीत नजरों से खिड़की के बाहर उस पेड़ को देखते हैं। फिर बिना कुछ कहे दोनों एक दूसरे को देखते हैं। बारिश हो रही थी और हिमपात भी। सू उसका चित्र बनाना शुरू करती है जो काफी रात तक चलता रहता है। दिन ढलते ढलते हवा और बारिश के चलते उस आईवी बेल की आखिरी कुछ पत्तियां भी गिरने लगती है। जानजी ये देखकर हार मानने ही वाली थी कि अगली सुबह उसने देखा कि उसकी खिड़की के बाहर एक पत्ता अभी भी बेल से चिपका हुआ है। ये उस बेल का आखिरी पत्ता था। जमीन से लगभग 25 फुट ऊपर वह टहनी पर लटक रहा था। जानजी कहती है कि ये आखिरी पत्ता बचा है। मुझे लगा था कि यह रात में गिर जाएगा, पर यह आज जरूर गिर जाएगा और मैं भी उसी वक्त मर जाऊंगी। सो उससे कहती है, अपने नहीं तो कम से कम मेरे बारे में तो सोचो, मैं क्या करूंगी। पर जानजी जवाब नहीं देती। वो तो अपनी मृत्यु को निकट देख रही थी। दिन गुजरा, रात आई, फिर से तेज हवाएं चली और बारिश भी हुई। सुबह होते ही जानजी ने फिर से खिड़की से बाहर झांका। वो पत्ता वही था। जानजी उसे काफी देर तक ताकती रही। उस पत्ते को देखकर जानजी को खुद के निराशावादी होने पर पछतावा हुआ। वो बोली कि मेरा मरना चाहना गलत था, ये मुझे इस आखिरी बचे पत्ते ने सिखाया। फिर वो बोली कि मैं किसी दिन नेपल्स की खाड़ी को पेंट करना चाहती हूं। वह एक पत्ता जानजी के लिए जीवन जीने का प्रेरणा स्रोत बन जाता है। अब उसमें बीमारी से ठीक होने और जीवन जीने की चाह जग जाती है। दोपहर को डॉक्टर आता है और जानजी की हालत देखकर वो सू से कहता है कि अब वो ठीक हो जाएगी, बस उसकी देखभाल करो। फिर वो कहता है कि उसे मिस्टर बेरमन को देखने जाना है, उसे भी निमोनिया हो गया है और उसके बचने की उम्मीद कम ही है। फिर भी उसे हॉस्पिटल ले जाएंगे ताकि उसकी मृत्यु थोड़ी कम कष्टदायी हो। अगले दिन सू जानजी से कहती है कि मुझे तुमसे कुछ कहना है। आज मिस्टर बेरमन निमोनिया से मर गए।
वो बस दो ही दिन से बीमार थे। वो दर्द में तड़पते हुए अपने कमरे में ठंडे और भीगे हुए पाए गए थे। सब यही सोच रहे थे कि वो इतनी आंधी बारिश वाली सर्द रात को कहां गए थे। फिर उसके कमरे से एक लाइट, पेंट करने का सामान, हरा और पीला रंग मिला और फिर वो बोली, खिड़की के बाहर देखो, दीवार पर वो आखिरी पत्ता, क्या तुमने सोचा नहीं कि हवा चलने पर भी ये हिला क्यों नहीं? यही तो बर्मन का मास्टरपीस है जिसे उसने उस रात पेंट किया था जिस रात इस पेड़ का आखिरी पत्ता गिर गया था। कहानी एक बड़े ही अप्रत्याशित मोड़ पर सू और जानजी को यह पता लगने के साथ समाप्त होती है कि मिस्टर बर्मन की निमोनिया से मृत्यु हो गई है, जो उसे जानजी की खिड़की के बाहर की आईवी की बेल का आखिरी पत्ता चित्रित करते वक्त हो गया था। सू और जानजी दोनों को यह एहसास हुआ कि बर्मन का बलिदान और समर्पण ही उस आशा और प्रेरणा का स्रोत था जिसने जानजी की जान बचाई। आखिरकार मिस्टर बर्मन ने अपनी सर्वोत्तम कृति चित्रित कर ली थी। इसी के साथ इस प्यारी सी कहानी का अंत होता है। एक और ऐसी ही कहानी के साथ जल्द लौटूंगी। विदा दीजिए। टिल देन, कीप स्प्रेडिंग द जॉय ऑफ रीडिंग। नमस्कार।